दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप कुछ दिनों से एक गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में बहुत सुन रहे होंगे जिसका एनकाउंटर हो गया है, लेकिन क्या आप अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब बात भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की हो तो बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है, जिसने आतंक की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि आज भी उसके पैरों के निशान लोगों को खौफ में डाल देते हैं। क्या बॉलीवुड, क्या क्रिकेट, हर जगह उसने अपने पैर पसार रखे हैं। ऐसे में जहां विकास दुबे जैसे क्रिमिनल्स को झूठे एनकाउंटर में फंसाकर मार दिया जाता है कि बाकी के सरकारी लोगों को नाम न पता चले, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर दाऊद इब्राहिम ने अपना मुंह खोला तो कितने सारे चेहरे बेनकाब होंगे। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो से आपको दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के वो रहस्य खोलकर दिखाऊंगा जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर हम दाऊद इब्राहिम की उम्र की बात करें तो वो लगभग 64-65 साल के होंगे। वहीं अगर इनका कद काठी देखा जाए तो ये मात्र 5'4" के हैं, यानी इनका कद कुछ खास लंबा चौड़ा नहीं है। पर अगर हम इनके कारनामों की बात करें तो वो न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है, और इसी वजह से ये दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल डॉन है। हालांकि ये पला बड़ा तो एक पुलिस वाले के घर में है, लेकिन बगावत के कीड़े दाऊद इब्राहिम को बचपन से काटने शुरू हो गए। दाऊद इब्राहिम के पिता उसे जितना मारते थे वो अपने अंदर गुस्से की आग को उतना ही भरता जाता, और एक दिन गुस्सा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने पूरी तरह से अपने आप को अंडरवर्ल्ड में झोंकने की सोच ली। हाजी मस्तान का खास आदमी होने के बाद जब हाजी मस्तान की मौत हुई, उसके बाद दाऊद ने ही अंडरवर्ल्ड की कुर्सी संभाली, जिसके बाद आज बंबई मुंबई बन गया। लेकिन एक शख्स अभी भी ज्यों का त्यों है, और वो है दाऊद इब्राहिम, जो इस समय पाकिस्तान की ISIS के शह में छुपा हुआ है। उसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े आतंकी नेटवर्क अलकायदा के साथ भी इसके संबंध होने की बात सामने आ चुकी है। यहां तक कि 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम नंबर 4 पर रखा। दाऊद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है 1993 का मुंबई का सीरियल ब्लास्ट, जिसकी साजिश उसी ने रची थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 13 बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों में 357 लोगों की जाने गई, वहीं सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। दोस्तों भारत में आतंक का ऐसा रूप पहली बार देखा गया था, और तब किसने कहां सोचा था कि मुंबई का ये डॉन इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन जैसे तैसे जांच बढ़ी, दाऊद इब्राहिम के गुनाह सामने आने लगे। लेकिन जब तक जांच एजेंसियों के हाथ दाऊद इब्राहिम के गिरेबान तक पहुंचते, तब तक वो दूर जा चुका था। 27 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान अपने सीने पर लगे इन घावों को भूला नहीं है। और जब मुंबई में धमाका हुआ था तब दाऊद इब्राहिम सिर्फ 38 साल का था, लेकिन अब उसकी उम्र तकरीबन 65 साल की हो चली है, जहां वो बूढ़ा भी हो चुका है। लेकिन इसके लिए जो आतंक लोगों के दिल में है वो अभी भी वैसा ही ताजा है, क्योंकि इसने एक समय में भारत में बड़े बड़े कांड किए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि 26/11 वाले बम धमाके में भी दाऊद इब्राहिम का हाथ होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि जिस हिसाब से सबूत मिले हैं वो दाऊद की तरफ इशारा करते हैं। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए, जिस शहर ने इसे पाला पोसा, या फिर ये कहिए कि जिस देश ने उसको इतना बड़ा किया, ये उसी के पीछे पड़ा हुआ है। खास करके उसका टारगेट अक्सर मुंबई रहता है। जो शख्स जिन गलियों से खेला हो उन्हीं गलियों को जलाने पे उतर जाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर का इंसान मर गया है। और दाऊद इब्राहिम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां इसने न सिर्फ ड्रग्स और कीमती सामानों की तस्करी में अपना पूरा गोरख धंधा फैला रखा है, वहीं इसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा। अगर आपको मालूम हो तो कई सारे बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर के दाऊद इब्राहिम के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अब ऐसे में हमें उनका नाम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप वो अच्छे से जानते हैं कि एक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। उसके साथ ये भी कहा जाता है कि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को भी दाऊद ने ही मरवाया है, जहां गुलशन कुमार के साथ दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की बात की जाती थी। दाऊद इब्राहिम ऐसा ही करता है, जो कोई भी एक्टर प्रोड्यूसर उसके मन मुताबिक उसे पैसा नहीं देता था वो उसे मारने की धमकी देता था। और गुलशन कुमार की मौत के बाद से दाऊद का आतंक और ज्यादा बढ़ गया। दाऊद अपने काले धंधे से कमाए हुए पैसों को फिल्मों में लगाकर उसे व्हाइट करने में जुटा रहता था।
जहां मजबूरन निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों के राइट्स बहुत ही सस्ते दामों में दे देते थे। यहां तक कि 1994 में आई एक तस्वीर जिसमें भारतीय फिल्म एक्ट्रेस और राम तेरी गंगा मैली स्टार मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट मैच देखते हुए पाई गई, जिसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी और कई सारे लोगों ने ये कहा कि मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड है। ये सिलसिला कई सालों तक चला, लेकिन मंदाकिनी ने अपनी चुप्पी 2005 के एक इंटरव्यू में तोड़ी, जहां उन्होंने ये कहा कि दाऊद इब्राहिम की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो, बल्कि काम के सिलसिले में जब वो दुबई या बाकी जगहों पर जाती थी तो एक ऐसी मुलाकात में उन्हें दाऊद इब्राहिम भी मिल गए और ये मुलाकात एक फैन और स्टार जैसी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। खैर, ये तस्वीर तो खुद ही बयां करती है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया का ऑडिशन हो चुका था, लेकिन बाद में राज कपूर को दबाव के कारण मंदाकिनी को इस फिल्म में लेना पड़ा था। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ क्रिकेट में भी दाऊद इब्राहिम के किस्से कम नहीं है, बल्कि बात अगर क्रिकेट जगत की जाए तो दाऊद इब्राहिम का नाम सट्टेबाजी में आता रहा है। ऐसे में आज भले ही दाऊद इब्राहिम गुम है, लेकिन लोगों के दिलों में उनका खौफ अभी भी गया नहीं। बाकी आपका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।